हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको उबले हुए आलू से एक बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी रेसिपी बताएंगे जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने ये 2 से 3 बॉइल्ड आलू ले लिए हैं। अब हम इन्हें थोड़े क्रश कर लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार मैंने इसे क्रश कर लिया है। आपको इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रखनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे क्रश कर देना है। मैंने अपने आलूओं को अच्छे से क्रश कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे क्रश की हुई गाजर, थोड़ा सा कटा हुआ बारीक थोड़ी सी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1/2 कटोरी कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है, इसे भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1/2 कटोरी कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। आप चम्मच के अकॉर्डिंग लो तो 3 से 4 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लीजिएगा। और अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा आपके नाश्ते में। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक तरफ मैं अपनी कढ़ाई में ऑयल रख देती हूँ ताकि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैं इसे मसल मसल के इसी तरह अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका हम अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका बहुत ही अच्छा डो तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो। अब इसमें जो हमारे पास थोड़ा सा धनिया और बचा हुआ था वो भी मैं ऐड कर दूँगी ताकि ये काफ़ी हरा भरा और काफ़ी अच्छा दिखे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी कोई शेप दे देते हैं। आप चाहो तो इसे गोलाई में भी दे सकते हैं या फिर जिस तरीके से आप चाहो उसी तरीके से आप इसे लड्डू के आकार में भी बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार मैं इसे करके इसके अंदर रखूँगी चीज़। ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली हुई है। इस प्रकार थोड़ी सी मैं इसमें लूँगी और इसमें बीच में रख के इसके और इसे चारों तरफ से बंद कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर ये रखोगे तो बच्चे काफ़ी खुश होकर खाते हैं क्योंकि बच्चों को चीज़ी चीज़ काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो इस प्रकार मैं इसका गोला बना देती हूँ। यह गोला काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। तो एक साइड में मैं इसे प्लेट में रख लेती हूँ। इसी प्रकार मैं सभी को तैयार कर लूँगी। तो दूसरे को भी मैं इसी प्रकार बनाऊंगी और बीच में इसकी भी इसी तरह चीज़ रख दूँगी। यह काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार होगा। यह बिल्कुल लड्डू के आकार में मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहो तो इसे थोड़े छोटे भी बना सकते हो, लेकिन मैं इनका यही आकार दूँगी सभी का। मैं सभी को इसी प्रकार तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हो। यह जितने दिखने में अच्छे दिख रहे हैं उतने खाने में भी काफ़ी टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो आइए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्राई करने के लिए मैंने इसके ऊपर ऑयल रख दिया है, आप देख सकते हो हमारा ऑयल गर्म हो रहा है धीरे धीरे। अब हम इसे अपने जो लड्डू मैंने बनाए थे वो इनमें तल लूँगी। आप अपनी अकॉर्डिंग बना सकते हैं इन्हें, मोटे पतला जैसे बनाना चाहो वैसे लड्डुओं को बना सकते हो। तो अब मैं इसे घुमाती रहूँगी, जिस प्रकार रसगुल्ले बनाते हैं आपको उसी प्रकार इन्हें घुमाते रहना है, वरना ये एक तरफ से ज़्यादा सिक जाएंगे और दूसरी तरफ से कम सिकेंगे। तो देखिए, सभी को मैं इसी प्रकार घुमाती रहूँगी और चारों तरफ से सेकती रहूँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इनका कलर कितना प्यारा दिख रहा है। आपको इन्हें लो फ्लेम पर इसी प्रकार सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी सिककर तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम एक प्लेट में ले लेते हैं। मैंने एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। हमारा काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्रिस्पी नाश्ता बना हुआ है। अब मैं आपको इनमें से एक बॉल्स तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए, यह काफ़ी चीज़ी और काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। देखिए अंदर से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें काफ़ी लेयर्स दिखाई दे रही हैं जो कि बच्चे बड़े खुश होकर खाएंगे और यह बहुत पसंद आने वाला है। बहुत ही चीज़ी और यम्मी आपका नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को कभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक न्यू रेसिपी साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।